हम तो ये सोच के चुनाव लड़ रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जनता भी ये सोच के इस चुनाव में भागीदारी कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा एहसास हो रहा है कि मानो हम चुनाव आयोग के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव आयोग भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक उम्मीदवार बनके चुनाव के मैदान में खड़ा हो गया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी तक की परंपरा के मुताबिक, अभी तक की जो पुरानी परंपराएं उन सभी के मुताबिक, अगर चुनाव आयोग को उसकी किसी कमी के बारे में आगाह किया जाए, उनको बताया जाए, तो उस प्रक्रिया में तुरंत सुधार करता है चुनाव आयोग, ताकि आगे से इस तरीके की कोई कमी ना हो। लेकिन पहली बार शायद चुनाव के इतिहास में यह हो रहा है कि जिसने चुनाव आयोग की उस कमी को उजागर किया, उसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बार बार जिस तरह से पहले दिन से, पहले जब हमने आवेदन किया परमिशन लेने के लिए, उसके खिलाफ गालियां लिख के चुनाव आयोग से डाली गई, इसी दफ्तर से कैथल में ही बार बार ये क्यों हो रहा है, और उसके बाद भी जिस तरीके का रवैया कैथल में चुनाव आयोग का है, वो स्पष्ट तौर पे समझ में आता है कि एक पार्टी बन करके भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यहां चुनाव आयोग के अधिकारी काम कर रहे हैं। मैं आज आपके समक्ष ये मामला रखना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं, पहले तो हमने सिर्फ इस जानकारी को चुनाव आयोग के संज्ञान में लाने के लिए चुनाव आयोग को इसकी कंप्लेंट की थी, लेकिन आज इस मामले पे मेरे बहुत सारे सवाल हैं और मैं ये जानना चाहता हूं कि चुनाव आयोग इसका जवाब कैसे देगा। ये जो मतपत्रों के जरिए वोटिंग हुई थी, हमने सिर्फ ये कहा था कि इसके ताले के ऊपर कोई सील नहीं लगी है, इस बैलेट बॉक्स के ऊपर कोई सील नहीं लगी है, और उसके बदले में चुनाव आयोग ने, जिन्होंने ये डेमोंस्ट्रेशन किया, जिन्होंने ये वीडियो बनाया, मास्टर सतबीर गोयत जी के खिलाफ आज एक एफआईआर दर्ज कर दी। ये वो एफआईआर है जिसमें ये कहा गया है कि सरकारी काम में इन्होंने बाधा डाली, और पता नहीं क्या क्या धाराएं इसमें लगा दी गई है। मैं अगर आपको बताऊं तो 171 एफआईपीसी लगाई है, आईपीसी 186, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 131 और 32 में ये मामला सतबीर गोयत जी के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मैं ये जानना चाहता हूं चुनाव आयोग से कि आप हमें ये बताइए कि अगर इस बैलेट बॉक्स के ऊपर सील नहीं लगी है, तो ये गलती सतबीर गोयत जी की है कि चुनाव आयोग की है? इसमें जो मतपत्र डाला जा रहा है, वो मतपत्र क्या वोटर अपने हाथों से डाल रहा है, या कोई अधिकारी इसके अंदर वो मतपत्र डाल रहा है? चुनाव आयोग को बहुत सारे सवाल हैं जिनका अब जवाब देना होगा, और हम जनता के समक्ष भी चुनाव आयोग के इस रवैये को रखेंगे, और चुनाव आयोग में केंद्रीय चुनाव आयोग को भी ये शिकायत देंगे। जिस तरीके से एक पार्टी बनके यहां पर अधिकारी काम कर रहे हैं, वो रवैया बिल्कुल गलत है। हमारे दो तीन सवाल हैं चुनाव आयोग के समक्ष जो आज हम रखना चाहते हैं। उनमें से पहला सवाल ये है कि क्या प्रक्रिया के अनुसार बैलेट बॉक्स के ऊपर सील नहीं लगना, क्या ये सही है? अगर ये सही है तो बाकी जगहों पर उसके बाद बैलेट बॉक्स के ऊपर सील लगा के क्यों वोट डलवाए गए? जिन्होंने सील लगवा के वोट डलवाए वो अधिकारी सही हैं, या जिन्होंने बिना सील के वोट डलवाए थे वो अधिकारी सही हैं? क्या मतपत्र को वोट डलने के बाद क्या किसी अधिकारी के पास ये पावर है कि वो मतपत्र को अपने हाथों में ले सकता है? क्या किसी अधिकारी के पास चुनाव आयोग ने ये ताकत दे रखी है कि एक बार वोटिंग होने के बाद जब निशान लगा दिया वोटर ने, क्या वो मतपत्र सीधा लिफाफे में सील होकर के बैलेट बॉक्स के अंदर जो वोटर है उसके द्वारा जाना चाहिए, या चुनाव आयोग के अधिकारी उस मतपत्र को अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं? इस पूरे वीडियो के अंदर जिसकी ये स्क्रीनशॉट जिसका आपको अभी नजर आ रहा है, ये जो हाथ आप देख रहे हैं, ये पूरे वीडियो में स्पष्ट नजर आता है, ये व्यक्ति ये चुनाव आयोग का अधिकारी है। इसने ये मतपत्र इस मतपेटी के अंदर डाला है जिसके ऊपर सील नहीं लगी हुई है। चुनाव आयोग के अधिकारी ने वोटर से मतपत्र लिया, फोल्ड किया हुआ, और उसको खुद लिफाफे के अंदर डाला। ये खुद वोटर ने नहीं डाला, वोट वोटर से ले लिया गया हाथ में, और उसके बाद उसको एनवेलप में डाल के अपने हाथों से इस अनसील्ड मतपेटी के अंदर डाला गया। हमारा स्पष्ट यह अनुरोध है, अनुराग अग्रवाल जी
फॉर्म ने पहले भी रिप्रेजेंटेशन दिया था, उन्होंने उसको गंभीरता से लिया था। इस बार भी जब हमने शिकायत की तो उन्होंने एश्योर किया था कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे और इसके ऊपर एक्शन लेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या कैथल के चुनाव अधिकारी सीईओ हरियाणा को के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं या अपनी मनमर्जी से यहां पर चुनाव को चला रहे हैं? क्या कैथल के चुनाव अधिकारी ये स्पष्ट तौर पर सार्वजनिक रूप से बाहर आके बयान दे सकते हैं कि किसी पेटी पे सील लगे या ना लगे उनकी मनमर्जी चलेगी चुनाव के अंदर, और उनके खिलाफ अगर उनकी कोई बात को कोई सार्वजनिक करता है उसके खिलाफ एफआईआर कराते हैं तो हमें यह भी बता दिया जाए कि जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन हमारे बूथ एजेंट्स को अपने मुंह पे टेप लगा के बैठना है, कोई गलत काम हो रहा हो उसके खिलाफ बोलना है या नहीं बोलना है। चुनाव आयोग को यह स्थिति स्पष्ट करनी होगी। ये बहुत गंभीर मामला है और इसको लेकर के पूरे लोकसभा क्षेत्र में आक्रोश है। अगर आपको जेल में डाल के हम सबको चुनाव लड़ना है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। हम इंतजार करेंगे चुनाव आयोग इसके ऊपर क्या कार्रवाई करता है, वरना हम अपने अगले स्टेप के बारे में भी सार्वजनिक तौर पर घोषणा करेंगे। हम अगर इसको हमें खुले तौर पर इसके खिलाफ आंदोलन करना पड़ा, इसकी आवाज उठानी पड़ी तो हम उससे भी परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश के लोकतंत्र के साथ सरेआम होता हुआ खिलवाड़ है। और जिस तरीके से चुनाव आयोग के कैथल के अधिकारी काम कर रहे हैं, विसल ब्लोवर के खिलाफ जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है उससे पूरे कैथल के वोटर के अंदर आक्रोश है। हमें जगह जगह से गांव गांव में लोग ये कह रहे हैं, लोग अवेयर हुए उस वीडियो को देख करके और ये कह रहे हैं कि ये जो चोरी चल रही है इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और चुनाव आयोग उल्टा उसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज कर देता है जिसने ये पूरा मामला उजागर किया, जो इस कमी को सामने लेकर के आया। इसके अलावा फॉर्म 12 को लेकर के जो कर्मचारियों से भरवाया जाता है उसको लेकर के भी कई सारी शिकायतें हमें कर्मचारियों के परिवार से मिली हैं, जिसके बारे में हम आगे चुनाव आयोग को जानकारी देंगे और उनसे अपील करेंगे कि इसके बीच में इंटरफेयर करें। हमें यह मालूम पड़ा है कि फॉर्म 12B को साइन करा के ले लिया जा रहा है और उस पर वोटर से टिक मार्क नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं इसलिए वो आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेगी सरकार इसलिए वो आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन ऐसे कई मामले हमारे संज्ञान में आए हैं जिसमें वोटर से सिर्फ सिग्नेचर करा के फॉर्म 12 पे उनसे वो फॉर्म ले लिया गया है और उसका वोट बाद में अपनी मर्जी से अधिकारी कास्ट करेंगे, इसको लेके कई आपत्तियां भी आई हैं। हम इस मामले की अभी खुद अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं, हमारे पास संबंधित शिकायतें जैसे ही पहुंचेंगी हम चुनाव आयोग को इसके बारे में भी अवगत कराएंगे। हमारा स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि इस एफआईआर को चुनाव आयोग तुरंत प्रभाव से इसको कैसे रद्द कराना है, क्योंकि आज के दिन में एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव आयोग के अंडर आता है, इसको कैसे रद्द कराना है ये चुनाव आयोग देखे और उन संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे जो अनसील्ड मतपेटी के अंदर वोट डलवा रहे थे, जो अनसील्ड मतपेटी के अंदर वोट डलवाने की परमिशन दे रहे थे, और जो सीनियर अधिकारी निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी डिस्ट्रिक्ट में इन सारे अधिकारियों को सरपरस्ती दे रहे हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह स्पष्ट तौर पर लोकतंत्र की और संविधान की रक्षा के लिए बहुत जरूरी कदम है। हम अनुरोध करते हैं सीईओ हरियाणा से कि वो तुरंत इसमें इंटरफेयर करें और हम केंद्रीय चुनाव आयोग को भी इस बारे में हस्तक्षेप करने के लिए मांग कर रहे हैं। 17 मई को जब चुनाव आयोग की तरफ से 85+ बुजुर्गों की और विकलांग व्यक्तियों की वोटिंग गांव-गांव जाके करवाई जा रही थी तो कुतेपुर से हमारे पास एक फोन आता है कि जी यहाँ जो बैलेट बॉक्स है उसके ऊपर सिर्फ एक लॉक लगा हुआ है। फौरन हम वहां पहुंचे, हमने वहां देखा कि सिर्फ एक लॉक लगा हुआ है। हमें मुख दर्शक बन के पूरी प्रोसेस देखते रहे कि चुनाव आयोग के अधिकारी वोटिंग किस तरीके से डलवा रहे हैं। वो सारी बातें तो बताई दी गई कि कैसे कैसे वोटिंग हो रही थी। उसके बाद हमने उनसे बात की, भाई मैं लगातार मतलब 28 साल तक मैंने भी वोटिंग करवाई है, कर्मचारी रहा हूं, कोई भी बैलेट बॉक्स विदाउट सील के नहीं होता और ना ही वहां पर किसी गांव के सरपंच को इन्फॉर्म किया गया, गांव के चौकीदार को नहीं बताया गया, ना ही वहां पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंट था। तो एजेंट का होना, गांव के सरपंच का होना ये बहुत जरूरी था। चुपके चुपके
इस तरीके से ये वोटिंग करवाई जा रही थी जिसके ऊपर सिर्फ लॉक लगा हुआ था, जबकि सील के साथ टैग लगा होता है, टैग के ऊपर सिग्नेचर होते हैं सभी अधिकारियों के और एजेंटों के, वो वोट वैलिड मानी जाती हैं। उसका हमने फिर विरोध किया, गांव वालों ने भी विरोध किया इसका, क्योंकि वो गलत तरीके से वोटिंग हो रही थी। और उसी की एवज में आज ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है।